इंतहाई नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर शो किया आपने, और मैं इसे अपने कारोबार का हिस्सा समझकर, सबक समझकर भुला दूंगा, बंद कर दूंगा इसे मैं। शैला, क्या बात, क्यों परेशान हो? भाई अब तो माशाल्लाह सब ठीक हो गया है, हमारी पोती घर में आ गई, फिर क्या परेशानी? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छी मां नहीं बन सकी। ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम अच्छी मां नहीं बन सकी? देखे ना, क्या किया सोहेल? ये कोई बड़ा मसला नहीं है। देखो, उससे एक गलती हुई, उस लड़की के साथ ही खत्म हो गई। अब हर चीज अपनी जगह पर आ गई है, बस। नहीं फजल साहब, ये एक मां की तरबियत की हार है। खुदा के लिए भूल जाओ इस बात को। मैं पहले कारोबारी मामलात में बहुत उलझा हुआ हूं, क्लाइंट को पैसे देने, राहत का प्रोजेक्ट रुक गया है, क्या करूं मैं? राहत का प्रोजेक्ट? राहत तो पहले ही इतना परेशान है, अब सोहेल की वजह से और डिप्रेस हो गया। अरे कुछ नहीं होगा उसे, अगर इस मरतबा कुछ हुआ उसे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। शैला, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि वो कुछ ऐसा करेगा? इसलिए कि उसका रिश्तों पर से एतबार उठ गया है, ये सब कुछ देखकर वो बहुत हर्ट हुआ है। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं उससे बात करता हूँ, ठीक है? एक इंसान के कितने चेहरे होते हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपको पता, मैं सोहेल भाई को एक बहुत ऊंचे मुकाम पे देखता था, वो ये सब करेंगे मैं कभी नहीं सोच सकता था। बेटा वो अच्छी लड़की नहीं थी, उसने सब कुछ झूठ बोला था, तुम्हारे डैड ने खुद पता करवाया, उसकी बात में कोई सच्चाई नहीं थी। मैं उस लड़की की सारी बातों पर यकीन नहीं कर रहा हूं। तो हाजरा ने कुछ कहा? मैंने खुद उनकी बातें सुनी। सोहेल भाई का उस लड़की से 4 साल तक का ताल्लुक था। राहत वो एक ऐसी कैजुअल सी दोस्ती थी जैसी लड़के कर लेते हैं, और कैजुअल सी दोस्ती में बच्चा भी हो जाता। अच्छा, किसका बच्चा? इन जैसे लोगों के लिए ना बेटे बोझ होते हैं, इसलिए उस बच्चे से पीछा छुड़ा लिया। क्या कह रहे हो तुम ये? आपको पता है ना, मुझे झूठ से बहुत नफरत है। मैंने तो तुम सबकी बहुत अच्छी तरबियत की थी, फिर ये क्या कर दिया? मुझे मेरी ही नजरों से गिरा दिया। बहू का भी किस मुंह से सामना करूं, किस मुंह से तुम्हारे डैड को बताऊं कि तुम्हारा एक बच्चा भी था जिसे